दीवाना आशिक मेरे पीछे ऐसी पड़ गया जैसे कोई भूत हो। चेनी मुझे लगता है अमन सच में बदल चुका है। अच्छा तेरे को कैसे पता? तूने एक्सरे डाल के देखा था क्या उसके अंदर? तेरे को मालूम नहीं है छोकरियां पटाने के लिए छोकरे कैसे कैसे झूठ बोल जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं ऐसे ऐसे। अरे जबान झूठ बोलती है लेकिन आंखें, उसकी आंखों में साफ साफ दिखता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। पर काश हालात अलग होते। शादी से पहले पार्थ ने भी ऐसी बहुत सारी हरकतें की थी मेरे लिए। पार्थ ने भी आशिकी वाली हरकतें करी है? बहुत। तो मेरे को सुना ना तेरी और पार्थ की आशिकी कहानियां, मेरे को सुननी है, सुना। मैं एक कंपनी में काम करती थी जिसके मालिक पार्थ भानुशाली और मैं वहाँ की छोटी सी क्लर्क। चौधरी भट्टाचार्य जी। सर 20 मिनट कैबिन में आइए। चप्पल टूट गई। सैलरी में तो अभी 10 दिन बाकी है और चप्पल टूट गई। उसे सुनवाने के तो पैसे भी नहीं है। मेरी चप्पल टूट गई है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं उसे ठीक करूं, इसलिए मैं इस तरह से चल रही हूं। और मेरी इस हालत का आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप मेरे बॉस हैं तो क्या कुछ भी कहेंगे और कुछ भी करेंगे? और अगले ही दिन मेरे टेबल पर एक शूज का बॉक्स रखा हुआ था जिसमें बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर सैंडल रखी थी। और उसे देखते ही मैं समझ गई थी कि इसे मेरे बॉस यानी कि पार्थ ने रखी है मुझे सॉरी कहने के लिए। नहीं समझा क्या है मुझे सब? आपकी ये दी हुई सैंडल से आपकी कल की हुई इंसल्ट भूल जाऊंगी? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी सस्ती भी नहीं है सब। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आपको बिना सोचे समझे पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया। I'm really sorry sir, please मुझे माफ कर दीजिए। एक शर्त पर जी, आप मेरी सैंडल्स एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। प्यार 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 तू कर ले, चार 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 आंखें चार तू कर ले। और कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया ठीक उसी तरह से जैसे अमन ने तुम्हें किया था। और तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा जब तक मैंने हाँ नहीं कही। पता है वो सैंडल आज भी मेरे पास है, मैंने संभाल कर रखी हुई है। तो इसका मतलब तेरी और पारत की प्रेम कहानी चप्पल से शुरू हुई? हाँ। पता है जब वो मुझे देखते थे ना मेरी सांसें रुक जाती थी और धड़कन तेज हो जाती थी। तेरे को सर्दी हुई होगी, सर्दी में सांस की तकलीफ होती है तो ज्यादा फिल्मी मत तो समझी ना। वो प्यार ही था टैनी, बात जब आज भी मुझे देखते हैं तो मेरी सांसें रुक सी जाती है और धड़कन तेज हो जाती है। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्यार करती हूँ किसी को तो वो है सिर्फ बात, कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए। इतनी रात को डैन कैसने की आवाज कैसे आ रही है? चाकू से ये देखना। ये सर्कस में आज क्या चल रहा है वैसे भी है। जितना देखने को मिले कम। तुझे पता है शौर्वरी भाभी इतनी अच्छी है ना, पता है इस बार एग्जाम्स में उन्होंने ना ही सिर्फ मेरी हेल्प की बल्कि एज अ टोकन ये मुझे पेन भी दिया। और टेनी कितनी लकी है ना, अमन जैसा इंसान उसे एज अ लाइफ पार्टनर मिल रहा है।
जागृति इसे लक नहीं चालाकी कहते हैं। बड़ी बहन ने पार्थ भाई को फंसाया और छोटी ने अमन को, और बस दोनों की लाइफ सेट है। वैसे शौर्वरी भाभी ने दिमाग से काम लिया और पार्थ भाई का हाथ थाम लिया। और देखो, एक 10,000 की सैलरी लेने वाली मामूली सी क्लर्क आज इस भानुशाली हाउस की बहू बन बैठी है। सेजल, तू क्या बोलना चाह रही कि लाइफ में प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता? होता होगा, पर पैसे से ज्यादा नहीं। तुम खुद ही देखो ना, टैनी एक महल से निकलेगी और सीधा दूसरे महल में एंट्री करेगी और उसकी पूरी लाइफ ऐश से कटेगी। क्या बोल रही लो मिट्टी, अमन के होने न होने से टैनी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी जिंदगी का आने वाला हर पल मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। शादी करोगी मुझसे? तुम लोग प्यार में चांद तारे तोड़ लाते हैं, ये तो फिर भी चिप्स थे। जैसे मुझे पता चला, मैंने तुरंत मुंबई की फ्लाइट ली और इस चांद के लिए चिप्स ले आए। कहीं मैं तो गलत नहीं कर रही अमन को ना के के? टैनी कितनी लकी है ना, अमन जैसा इंसान उसे एज अ लाइफ पार्टनर मिला। टैनी एक महल से निकलेगी और सीधा दूसरे महल में एंट्री करेगी और उसकी पूरी लाइफ ऐश से कटेगी। जिस लड़की की मुझे तलाश थी वो मेरे सामने है। अब अगर तू मुझे हाँ कहे तो तू मेरी हो जाएगी, अगर ना कहे तब भी मैं तेरा रहूंगा। अरे जबान झूठ बोलती है लेकिन आंखें, उसकी आंखों में साफ साफ दिखता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये बात तो मैं तुमसे दावे के साथ कह सकती हूँ। झिंगुर को सच्ची में मेरे से प्यार तो नहीं होगे? सूरवरी ने भी बोला अगर झिंगुर को सच्ची में मेरे से प्यार हो गया तो क्या हुआ? टैनी को तो खाली और खाली पैसे से प्यार, और मैं अपने पैसे के प्यार को धोखा थोड़ी दूंगी उसके लिए। माना कि उसके पास बहुत पैसा है पर वो कौन सा अपनी जायदाद मेरे नाम कर देगा? हाँ। नहीं टैनी तो इस सब के बारे में क्यों सोच रही? तो खाली अपने बारे में और अपने 10,00,000 के बारे में सोच। 10,00,000 और देर रात तक जागना टुन्नू की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सोचो सदियों से भी पुरानी है मोहब्बत की कहानी, किसके रोके ये रुकी है, होती है बस हो गई है। दिल से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक जाने के लिए लेट नहीं हो रहा? हो रहा है, लेकिन जब भी मेरी नजर तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है ऐसा लगता है कि मानो ये वक्त थम सा गया और मैं बस तुम्हें देखता ही रहूं। ड्रामेटिक बात, मानुषाली इज बैक। कैसी लग रही हूं मैं? ब्यूटीफुल। बस एक चीज की कमी। क्या? एक ऐसी चीज जो तुम्हारी इस खूबसूरती को थोड़ा सा कम। एक मिनट, ना हमारी एनिवर्सरी ना बर्थडे है ना वैलेंटाइन, इतना महंगा तोहफा किस खुशी में? क्या ये खुशी कम है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं?
और खुश हैं, और रही बात ओकेशन की, तो आज से ठीक दो दिन बाद हमारे बच्चे को अस्तित्व में आकर पूरे 3 महीने हो जाएंगे। अब इतने बड़े दिन का सेलिब्रेशन तो बनता है ना। अगर ऐसी बात है तो आप ही पहना दीजिए ना। गिफ्ट दे रहे अपनी घरवाली को, वो भी इतना कीमती हीरो का हार। इसका मतलब सेजल ना सही बोलती, प्यार ना एकदम सोच समझ के करना चाहिए, सुरवरी की तरह। देखा तूने टुन्नू, कैसी ना इंसाफी है। मैं तेरे को पाल में रही हूँ, तेरे लिए मैंने नाचना गाना छोड़ दिया, तेरे लिए मैंने दारू अपनी बिंदारू तक को छोड़ दिया। रोज सुबह सुबह उठ के कसरत में करती हूँ, कड़वी कड़वी दवाइयाँ मैं खाती हूँ, पर अब जब गिफ्ट देने का टाइम आया तो तेरे पापा गिफ्ट दे रहे तेरी मम्मी सोरवरी। मेरे बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, मेरी तैयार किसी को पड़ी नहीं है। ये तो बहुत बोलते फिरते कि टेनी तुम हमारा हिस्सा हो, हमसे अलग नहीं हो, तो जब गिफ्ट देनी थी तब ये याद नहीं आया। तुम क्या कह सकते, आज बता दिया पारत, अपना अपना होता है पराया पराया, क्या कर सकते। पर क्या मजेदार माहौल है ना टिन्नू, जिंदगी में कॉमेडी के साथ साथ ट्रेजेडी पिक्चर चल रही है। पर क्या कर सकते, मिल्क शेक पी के खुश हो जाते है ना। किसी को पता चल जाए कि टेनी चेन से बैठी है, चिल कर रही है, तो आ जाते हाय हाय मचाने, सारा मिल्कशेक का मजा खराब कर दी। सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए वो देखे मैंने तेरे जैसे, जो ऐसी नकली हीरे की अंगूठियां ना जेब में लेके घूमते, पन किसी और को पोपट बनाना टेनी पोपट होने वालों में से नहीं है, हटा इसको। टेनी ये नकली नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है मेरे लिए। ये मेरी मॉम की अंगूठी है, उनकी आखिरी निशानी। मेरे पापा ने खुद उन्हें बनाई थी अपने हाथों से जब उन दोनों की शादी हुई थी, और अब मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास रहे, उन दोनों का आशीर्वाद बनके और मेरी निशानी बनकर। मेरी मॉम कहती थी कि एक अंगूठी एक बेस्ट गिफ्ट होता है जो एक लड़का एक लड़की को दे सकता है। वो सिर्फ एक गिफ्ट नहीं होता, एक तरह का प्रॉमिस होता है आने वाले सुनहरे कल का। हटे नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करना चाहता हूँ, जितना प्यार मैं तुम्हें आज करता हूँ उतना ही प्यार मैं तुम्हें कल भी करूंगा। तुम्हारी हर चाहत को पूरा करना ये मेरी जिंदगी का अकेला मकसद होगा, और अब इसी मकसद के साथ मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा भी और मरूंगा भी। Thank you.
तो बहुत महंगी होगी ना। हाँ, लेकिन जब तुम इसे पहन लोगी ना तो ये बिल्कुल अनमोल हो जाएगी। आई लव यू टेनी। और अगर तुम ही मुझसे प्यार करती हो, मैं चाहूंगा कि जब भी तुम मेरे सामने हो तो इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन कर आओ। यानी अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चली? ये दोनों इधर क्या कर रहे हैं? अरे टेरी कहाँ चली गई थी? वो मेरे को ना बहुत भूख लगी थी सुबह सुबह खतरनाक वाली, तो मैं अपने लिए मिल्क शेक लेने चली गई थी। बता दिया होता मुझे, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया वाला मिल्क शेक बनाती। खैर छोड़ो ये सब, यहाँ यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और तुम्हारा सरप्राइज है ये। ये क्या है? इतना बड़ा पैकेट, क्या है इसके अंदर? ये क्या है? इसे इलास्टिक जीन्स कहते हैं, विद बेबी बम सपोर्ट। तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम बहुत कंफर्टेबल रहोगी अगर इसे पहनोगी तो। स्पेशली अमेरिका से मंगवाया तुम्हारे लिए। क्या हुआ डैडी, तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? आया ना पसंद। अभी तुम मेरे को अमेरिका के नाम पे कुछ भी चिपकाओगे, मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा कि पसंद आया। मैं और कर भी क्या सकती हूँ? यानी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अभी क्या बोला तूने इसको? ये क्या इलास्टिक का कुछ है? बेबी बम मतलब के बच्चे के सपोर्ट के लिए, तो ये मेरे लिए थोड़ी ना हुआ। ये तो बच्चे के लिए हुआ ना, तो मेरे को क्या मिला? हाँ जीरो बटे सन्नाटा। तुम्हारे लिए भी एक है ना उसमें, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए गिफ्ट, ये वॉच। और ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, इसे पहनने से तुम्हारी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है या तुम कितनी सांसें ले रही हो, कितने कदम चल रही हो वगैरह वगैरह, ये सब बताएगी ये घड़ी। और स्पेशल बात बताऊं, ये घड़ी के साथ तुम बात भी कर सकती हो। अरे वाह, एक घड़ियाल और इतने सारे काम, क्या कमाल की चीजें बनाते ना अमेरिका वाले भी, है ना? तुम्हें पता है आज से दो दिन बाद तुम्हारी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो जाएंगे, और इसीलिए हमने तुम्हारे लिए गिफ्ट अमेरिका से मंगवाए, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हें अमेरिकन चीजें कितनी पसंद हैं। एक बात बता मेरे को, ये घड़ी कितनी महंगी है? मतलब सोने जितनी महंगी है या हीरे जितनी? यानी तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हमने ये गिफ्ट बहुत दिल से लाया है और तुम मूड स्विंग पार्ट। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं। थैंक यू।